500 grams of water and 100 grams of ice at 0 degree C are in a calorimeter whose water equivalent is 40 grams. 10 gram of steam at 100 degree C is added to it, then water in the calorimeter is. So we have water given 500 grams और उसमें आइस पड़ी हुई है 100 ग्राम की, 500 ग्राम पानी है, 500 ग्राम आइस है और कॉपर कैलोरीमीटर खुद 40 ग्राम का है जो वाटर इक्विवेलेंट है, यानी कि इसको हम पानी में ही ऐड कर सकते हैं अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ी हीट में। लेकिन अगर हम ये इससे सवाल है पूछा गया है वाटर इन द कैलोरीमीटर इज, तब आप वाटर में मत जोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। वी वाटर इक्विवेलेंट हीट कैलकुलेट करने के लिए है, लेकिन पानी नहीं है कि पानी में जोड़ दिया। एनीवे 100 ग्राम आइस। अब हमने इसमें स्टीम डाली 10 ग्राम की, तो हम जानते हैं कि 500 ग्राम पानी है, 100 ग्राम आइस है, तो ये ऑब्वियसली डोमिनेट तो कर जाएंगे 10 ग्राम स्टीम पर। सो पहले हमें देखना होगा, मतलब सर्फ ऑन द फेस हमें लगता है कि ये डोमिनेट कर जाएंगे कोई ज़्यादा मात्रा में, स्टीम से 10 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, स्टीम को जीरो पर लेने आने की कोशिश करेंगे। स्टीम 100 डिग्री पर ऑलरेडी है, तो पहले तो स्टीम देखते हैं 100 डिग्री पर है, पहले हम उसे भाप से कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में और फिर हम उसे 0 डिग्री का पानी भी बनाएंगे। तो कितनी हीट छोड़ेगा स्टीम, लेट मी सी कि क्या वो पूरी आइस को पिघलाने में सक्षम है, लेट सी। और नहीं है तो फिर देखेंगे कितनी आइस पिघल सकी, और टेढ़ी लाइन पर लिखते हैं एम सी डेल्टा टी। सो लेट मी सी हाउ मच हीट हैज़ बीन लिबरेटेड। सो क्यू विल बी एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी, इट इज 10 ग्राम एंड एल इज, एल इज हाउ मच गिवन टू अस, एल इज गिवन टू अस 540, प्लस मास 10 ग्राम है। अब पानी बन चुकी है तो पानी का वन होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सी जी एस यूनिट एंड टेम्परेचर 100। सो वी हैव डिफरेंस टेम्परेचर, क्योंकि हम जीरो से कहाँ ला रहे हैं, 100 से कहाँ ला रहे हैं, जीरो पे। सो दिस 5400 प्लस 1000, दैट इज 6400। सो एंटायर स्टीम हैज 6400 जूल्स एनर्जी टू गिव। नाउ लेट मी सी इट इज इनफ फॉर एंटायर आइस टू मेल्ट और नॉट। सो वील सी कि 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 100 ग्राम्स ऑफ आइस, लेट सी क्यू बराबर आइस के लिए एम इंटू एल आइस, 100 इंटू आइस के लिए कितना है, इट इज 80, दैट इज 8000 कैलरी थोड़ी था आ रहा था, ये भी कैलरी आ रहा है, ठीक है। हम कैलरी में वैल्यूज ले रहे हैं। वी कैन सी दैट इट इज हायर एंड द स्टीम डजेंट हैव दैट मच एनर्जी, दैट मीन्स एंटायर आइस हैज नॉट मेल्टेड, आइस हैज नॉट मेल्टेड। तो अब हम ये कहें कि लेट एक्स ग्राम ऑफ आइस मेल्ट, एंड वी कैन राइट राइट एक्स इंटू एल ऑफ आइस और जितनी भी एनर्जी है 6400 कैलरी। और ध्यान रखें जब आइस बची रही है सर सिस्टम में तो पूरा टेम्परेचर ही 0 डिग्री रहेगा सिस्टम का, क्योंकि आइस और किसी टेम्परेचर पर रह सकती नहीं। सो वी हैव 6400 कैलरी अपॉन एल ऑफ आइस इज 80, एंड वी हैव 80 ग्राम्स ऑफ आइस इन द मिक्सचर। सो नाउ कितना पानी बचा हमारे पास, हो गया फाइनली 500 ग्राम का पानी तो पहले से था 500, और नेट वाटर कितना बच रहा है देख लीजिए, ठीक है। प्लस से 80 ग्राम का आइस पिघला और 10 ग्राम की स्टीम पानी बन चुकी, तो वी हैव 590 ग्राम्स ऑफ वाटर नाउ इन द मिक्सचर। एंड बट ऑब्वियस बात है कि हम कैलोरी मीटर नहीं जोड़ रहे हैं, वो कैलोमीटर पानी नहीं होता है, तो 590 इज़ द करेक्ट आंसर।